एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल। जी हाँ, आज फहमान और सुम्बुल एपिसोड में आए थे और आज एंटरटेनमेंट की रात आप सभी ने देखा या नहीं देखा बताइए ज़रूर। चलिए बात करते हैं कि आज का एपिसोड कैसा रहा। क्या आज का एपिसोड उतना ही एंटरटेनिंग था जितना कि पिछला वाला था जब सुम्बुल फहमान साथ में आए थे? क्या आज का एपिसोड उतना ही मज़ेदार था? क्या आज उतना इंटरेस्ट आया देखने में? इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो मैं बात करूँगी मैं फैक्ट के ऊपर बात करूँगी। मुझे आज का जो एपिसोड था इसमें सुम्बुल और फहमान बड़े डिस्टर्ब से लगे, पता नहीं क्यों। इसके पीछे कारण क्या है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इन दोनों में ना आई कांटेक्ट भी आज नहीं था। मतलब ये एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। अगर आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान दिया हो जब हर्ष और पुनीत टास्क करा रहे थे रश्मि और अर्चना को, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो हर्ष और सुम्बुल और फहमान दोनों साथ में खड़े थे, जहाँ कि फहमान पूरा गीला हुआ पड़ा था और सुम्बुल वो फेदर में लिपटी हुई थी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर है, आज के एपिसोड में कोई इनका आई कांटेक्ट भी नहीं देखने को मिला है। और ये सारी चीज़ें ना कहीं ये बताती हैं कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे मैं कहूँगी कि बढ़ चुके हैं। दोनों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि साथ में हैं दोनों नहीं हैं, फैंस क्या चाहते हैं। मुझे इस तरीके की आज वाइब आई है देख के एपिसोड को। और स्टार्टिंग से बात करें तो जब शो स्टार्ट हुआ है, जो देसी और विदेशी का जो तड़का लगाने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से शो को आज बनाया था, देसी विदेशी तक तो ठीक था, मज़ा आ रहा था। हर्ष को देख करके, पुनीत को देख करके, अर्चना गौतम की स्पेशली बात की जाए तो अर्चना बहुत अच्छी कॉमेडी करती है। और कॉमेडी करने के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि अर्चना पंचेस को अपने ऊपर बखूबी लेती है। मतलब कोई भी उस पर पंच मार के चला जाता है और अर्चना हंसती रहती है। ये अर्चना की सबसे अच्छी खूबी है और शायद यही कारण है कि अर्चना इसीलिए इस शो में अभी तक बनी हुई है। हालांकि अब वो खतरों के खिलाड़ी के लिए चली गई है, लेकिन अर्चना की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं बात की जाए तो विशाल आदित्य सिंह भी आ जाए हुए थे, जो मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नहीं नज़र आए। गौरव दुबे की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि गौरव कमाल करते हैं। जिस तरीके से वो रवि किशन बने थे और उन्होंने बेइज्जतियाँ की है सभी की, रश्मि देसाई की, सुम्बुल को जो पिटबुल बोला है, हालांकि ये फ़न में था, एंटरटेनमेंट के लिए था, तो इन सब चीज़ों को हम फ़न में ही लेते हैं और एंटरटेन होते हैं। फहमान के मम्मी पापा आज दिखे हैं, हालांकि उस दिन सेट पे आप सभी को भी पता है कि फहमान के मम्मी पापा आए थे और पूरा एपिसोड में भी वो लोग नज़र आए हैं, वो लोग स्टेज पे भी आए हैं। अच्छा, उस टाइम भी सुम्बुल और फहमान के मम्मी पापा, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इतना अच्छा बॉन्ड ये शेयर करते थे, फिर अचानक से इन दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हुई और अब ये जो बॉन्ड था इनका, जो इतना खूबसूरत था, लोग इतना पसंद करते थे, अचानक से वो बॉन्ड बिल्कुल बिखर सा गया और वो क्लियरली देखने को मिल रहा था। आज की भी बात की जाए तो क्लियरली देखने को मिल रहा था। जब पुनीत और हर्ष कह रहे थे कि फहमान की शादी के लिए आपकी क्या राय है, तो उसकी फहमान की मदर ने कहा कि आप लोग ही सेलेक्ट कर लो और हम उसको देख लेंगे। तो पुनीत ने कहा कि नहीं, हर्ष ने कहा कि ठीक है फिर रश्मि को देख लें। तो रश्मि कहती है नहीं नहीं मुझे नहीं करनी। तो फिर वो बोलते हैं, पुनीत या हर्ष में से कोई बोलता है कि सुम्बुल कैसी रहेगी। हालांकि सुम्बुल कैसी रहेगी इसके बाद उन्होंने बात को काट दिया, या फिर अगर बात हुई भी हो स्टेज पर तो हमें नहीं दिखाया। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। और फहमान के मम्मी पापा ऑब्वियसली पेरेंट्स हमेशा अच्छे ही लगते हैं और अच्छे लग रहे थे फहमान के मम्मी पापा। फहमान खुश थे अपने पेरेंट्स को लाके, और फहमान के मम्मी पापा वहाँ से आए हैं, बेंगलोर से मुंबई आए हुए हैं। तो फहमान, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे फहमान की लग रही है कि वो अपने साथ शूट पे भी लेके जाते हैं, इवेंट्स में भी लेके जाते हैं। आपको याद होगा कि अभी अवार्ड फंक्शन जो था वहाँ पे भी फहमान अपने पेरेंट्स के साथ ही पहुँचे हुए थे। टेलीचक्कर का अवार्ड था शायद, हाँ टेलीचक्कर का अवार्ड था, वहाँ पे फहमान अपने पेरेंट के साथ ही पहुँचे हुए थे।
उसके बाद एंटरटेनमेंट की रात में भी वो अपने पेरेंट्स को लेके आए थे, तो ये सब काफ़ी अच्छा लग रहा था। अच्छा, बीच में जो ये क्या नाम है इनका, दुबे कौन है, ये गौरव, गौरव थोड़ा सा मुझे अश्लील लगा बीच में, जो पुनीत के साथ और विशाल के साथ सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि आप ठीक है देख सकते हो, आप एक कॉमेडी में लेना चाहो तो कॉमेडी में भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा ओवर लगा मुझे। और फिर उसके बाद जिस तरीके से वो वॉल पे चल के जा रहे थे, पुनीत को चोट लग गई, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आप एंटरटेन करो लेकिन उसको डबल मीनिंग जोक्स मुझे नहीं समझ में आते ज़्यादा, कि आप नेशनल टीवी पे डबल मीनिंग जोक्स की बात कर रहे हो और उसको बड़े कूल तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही हो, मुझे वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट मतलब किया कि मुझे नहीं समझ में आई वो चीज़ें, क्योंकि सुम्बुल भी ऑब्वियसली, रश्मि भी, अर्चना भी, सब मुंह दबा के हंस रही थी साइड में, और साइड होने की कोशिश, स्पेशली सुम्बुल की बात की जाए तो वो साइड होने की कोशिश कर रही थी, ऑब्वियसली सुम्बुल बच्ची है अभी इन लोगों के आगे तो वो बच्ची ही है, तो और इस तरीके की डबल मीनिंग, ये मुझे थोड़े से डिसअपॉइंट करते हुए आज के एपिसोड में लगे। आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको भी ऐसा कुछ लगा, और ओवरऑल बात की जाए एपिसोड की तो ठीक था आज का एपिसोड, लेकिन मुझे बहुत एंटरटेनिंग आज का एपिसोड नहीं लगा, फ्रैंकली मैं बताऊं। मुझे सुम्बुल फहमान की बॉन्डिंग बहुत कम दिखी, जो कि पिछले वीक थी जब हमने देखा था, वो कितने एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल दिख रहे थे, कितने आराम से मतलब नज़र आ रहे थे, हंसी मजाक करते हुए नज़र आ रहे थे, डांस करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन आज हमें वो सब कुछ कुछ भी देखने को नहीं मिला, बल्कि दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब आप फैंस की मैं बात करूँ, जो सुमान के फैंस हैं, वो अपने मन को आप लोग ये बना लो कि ठीक है आप सुम्बुल और फहमान को प्यार करते हो, लेकिन अब आप सुम्बुल और फहमान को वो पहले वाला नहीं देख पाओगे जो वो पहले थे, इमली के टाइम पे जो वो थे, आप देख पाओगे या तो आप स्क्रीन पे देख पाओगे जहाँ वो एक्टिंग कर रहे होंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले वाले अब दिखने वाले हैं, क्योंकि जो आज का एपिसोड था ना उसके हिसाब से ये क्लियर हो चुका है कि सुम्बुल फहमान दोनों ने अपने मन में ये बात मान ली है कि ठीक है यार दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन अगर माइंड में कोई बात है, दिमाग में कोई बात है तो उसको भी ध्यान में रखो, और इस तरीके से दोनों आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि मुझे आज का एपिसोड कोई बहुत एंटरटेनिंग नहीं लगा, ये जो डबल मीनिंग जोक्स थे वो मुझे थोड़े से डिसअपॉइंट किए, बाकी चीज़ें ठीक थी। और सुम्बुल फहमान की बात की जाए तो बस आप सभी को पता ही है कि दोनों ने अपने अपने रास्ते को अब अलग कर लिया है, और ठीक है आप सुम्बुल को अलग प्यार कर सकते हो, फहमान को अलग प्यार कर सकते हो। तो इस तरीके से रहा आज के एपिसोड का ये जो रिव्यू है, और अब आप अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या कुछ है कहना, जो भी आपकी राय होगी कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।